Hello students, welcome to my channel Sunshine Math Classes. In this video we solve the question number 4 of exercise 3.5. So in previous video we solved the already first question of question 4. Okay, in this video we solve the question number 2 of question 4. So question 2 is, a fraction become 1 upon 3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक fraction है, तो यहाँ पे हमें find out क्या करना है, find the fraction. तो पहले तो हम assume कर लेंगे कि let the fraction be x upon y. तो यहाँ पे मैंने numerator को क्या दे दिया, x ले लिया, यहाँ पे denominator को क्या दे दिया, y दे दिया. अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि a fraction become 1 upon 3. कब 1 upon 3 हो रहा है, when 1 is subtracted from the numerator. कब हो रहा है, subtracted from the numerator, मतलब कितना subtracted करना है, subtract कितना करना है, 1. एंड इट बिकम्स, ओके, सिर्फ हमें क्या बोला गया है कि 1 सब्ट्रैक्ट करना है, उसके आगे कुछ नहीं है, ये सेकंड के लिए हो जाएगा. तो यहां पे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो तो वैसे का वैसा ही हो जाएगा, तो हमारा फ्रैक्शन कितना मिल रहा है, 1/3 मिल रहा है. फिर से बता देता हूं क्या हो रहा है, कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 हो रहा है. कब हो रहा है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर. तो 1 सब्ट्रैक्ट करना है कहां से, न्यूमरेटर में से माइनस कर देना है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कुछ होता है नहीं. तो आगे क्या क्वेश्चन आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ये 3. तो 3x-1 और y यहां पे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय y मतलब y. तो यहां पे हमारा आंसर क्या बचेगा, 3x-3 इज इक्वल टू y. तो हमारा आंसर क्या रह जाएगा, 3x ये माइनस में, यहाँ पे प्लस में हम आए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस. और ये माइनस में 3 है तो उस साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस. तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1. देन सेकंड, इट बिकम्स 1/4 मतलब 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर. तो अब हमें क्या करना है कि हमारा फ्रैक्शन जो दिया गया है, अब न्यूमरेटर के अंदर तो कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर के अंदर कितना करना है, 8 ऐड करना है. y के अंदर कितना करना है, 8 को ऐड करना है. और वो फ्रैक्शन कितना हो रहा है, 1/4 हो रहा है. तो इस तरह से हमारा रहेगा आंसर. अब आगे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन कर देंगे, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो 4 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1 के साथ ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे का वैसा ही आंसर आएगा, एज इट इज रहता है आंसर हमारा. देयरफॉर 4x ये प्लस में है, तो यहां पे क्या हो गया, माइनस इज इक्वल टू 8. तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड आ गया. अब ध्यान से देखो, यहां पे फर्स्ट सेकंड, यहां पे हमें कौन सी मेथड यूज करनी है फॉर द फाइंडिंग द सॉल्यूशन, एनी एलजेब्रिक मेथड. तो हमें इस क्वेश्चन को कोई भी एलजेब्रिक मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं. हमारे पास 3 मेथड है एलजेब्रिक की, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो यहां पे मैं आसानी से, हमारा एलिमिनेशन मेथड करने से आसानी से हमारा आंसर आ सकता है. किस तरह से आ सकता है, देखो यहां पे माइनस हुआ है, यहां पे भी माइनस हुआ है. अब एलिमिनेशन मेथड क्या कहती है कि यहां पे हमें वैल्यू x या y की वैल्यू 0 बनानी होती है. तो यहां पे y इक्वल तो है, सिर्फ हमें क्या करना है, ये साइन रिमूव करना है. जब मैंने बोला है कि साइन इक्वल हो तब क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन ले लेना है, और साइन ऑपोजिट हो तब हमें क्या कर लेना है, एडिशन कर लेना. तो यहां पे y की साइन दोनों की कैसी है, इक्वल है, तो हम यहां पे क्या ले लेंगे, सब्ट्रैक्शन ले लेंगे. तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 1, ओके. तो यहां पे इक्वेशन सेकंड कौन सा है, 4x-y इज इक्वल टू 8, और यहां पे फर्स्ट क्या है, 3x-y इज इक्वल टू 3. अब सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं मतलब ये माइनस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो गया. तो इसकी वैल्यू तो क्या हो गई, 0 हो गए. अब 4x में से 3x चला गया तो कितना बचेगा, x बचेगा, और यहां पे भी 8 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा. तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है. अब हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे,
x की वैल्यू कोई भी या तो इक्वेशन वन के अंदर पुट कर देंगे या तो इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट कर देंगे हम, और हमें क्या कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पे हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। लिखना पड़ेगा पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो हमारा ये 1 क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 5, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 15, 3 5 सा 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर माइनस वाई 3 यहां पे प्लस में, ये प्लस में, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 15 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 12 बचेगा, ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, therefore y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 12। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या मिलेगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन y है, तो यहां पे x की वैल्यू कितनी है 5 है और यहां पे y की वैल्यू कितनी है 12, तो हमें हमारा फ्रैक्शन कितना मिल जाएगा 5/12, कितना मिल जाएगा 5/12, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।